एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बड़ा ही अजीब सा बंदा होता है, बिल्कुल एक जोकर की तरह। और जो हिनागी को स्पाई थे वो उसे मॉनिटर कर रहे थे। एक आदमी कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर से फेल हो गए। ये बात सुन वो औरत कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने बैकअप प्लान का यूज करना होगा। और वहीं पर दोस्तों असानो की भी फोटो लगी हुई थी। अब इसके अगले सीन में हम मिसुमी और असानो को देखते हैं। मिसुमी ने असानो की मदद मांगी है एक काम करने में, और उस काम के लिए ही असानो इतना सारा सामान लेकर जा रहा है। वैसे जाते हुए असानो की नजर एक फैमिली पर पड़ती है जो एक साथ वक्त गुजार रहे थे। वैसे तभी ये दोनों पहुंच जाते हैं सुई के पास और उसे देखकर असानो के होश उड़ जाते हैं। वैसे मिसुमी सुई को पहले से ही जानती थी क्योंकि ये दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। मिसुमी सुई से कहती है कि तुमने असानो और ननाओ के साथ जो किया है उस बात को लेकर मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए सुई कहता है कि हिनागी को लीडर आपका इंतजार कर रही हैं। असानो कहता है, लीडर? वैसे अगले सीन में ये तीनों पहुंच जाते हैं एक कैफे के अंदर। अंदर आकर सुई कहता है, तीन हिनागीकू अल्ट्रा सुपर टोटली डीलक्स जाइगेंटिक क्रेजी स्पेशल मॉन्स्टर एक्सट्रीम कैफे लेटर्स। ये बात सुन वो आदमी कुछ बटन्स दबाता है और अगले ही पल में इन तीनों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है और ये तीनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन मिसुमी को तो सुई पकड़ लेता है, लेकिन हमारा बेचारा असानो, ये लोग जमीन में 300 मीटर नीचे जा रहे हैं और यही है गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो हिनागीकू। यहाँ सुई कहता है कि नीचे पहुँचने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम अपनी ड्रिंक पी लो। असानो कहता है कि तुम मिसुमी को इस तरीके से क्यों पकड़े हुए हो? हाँ, सुई कहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक है और तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा वरना तुम मारे जा सकते हो। और अगले ही पल में दोस्तों इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के हमले होने लगते हैं। ये होते हैं सिक्योरिटी ट्रैप्स। मिसुमी को तो सुई बचा रहा था, लेकिन हमारा बेचारा असानो, यार मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इस बंदे की किस्मत कितनी खराब है। वैसे इसी तरह ये तीनों नीचे पहुंचते हैं, लेकिन असानो नीचे गिरता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि असानो के ऊपर एक बड़ी आयरन बॉल गिरने लगती है जिसके नीचे असानो कुचला जाएगा। लेकिन तभी वहां पर हिनागीकू की लीडर आकर उस आयरन बॉल में एक पंच मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है कि तुम जैसा एक कमजोर लड़का क्या सच में मिसुमी की हिफाजत कर पाएगा? हाँ, मिसुमी तो एक राजकुमारी है ना, उसकी हिफाजत तो सबको करनी होगी, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। वैसे अगले सीन में ये सभी इस तरीके से खाना खाने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर ये लीडर कहती है कि तुम हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हो मिसुमी, और ऐसे ही इनके बीच फालतू की बातें हो रही थी। इन बातों को सुनना मेरी मजबूरी है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हारे कानों पर ये जुल्म व सितम नहीं होने दूंगा। वैसे हमें पता चलता है कि ये लीडर क्वेचिरो की क्लासमेट रह चुकी है और ये अक्सर इसी तरह की टी पार्टी करती रहती है और इसका नाम रिन है। दोस्तों ये सारी की सारी मिठाइयाँ उस बैग में रखी थी जिन्हें असानो टांग कर लाया था। वैसे जो रिन है वो क्वेचिरो को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि क्वेचिरो अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये मिसुमी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसी वजह से वो चाहती थी कि मिसुमी किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो क्वेचिरो से उसकी हिफाजत कर सके, लेकिन ये लड़का बिल्कुल नालायक है। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि जब ये मिसुमी से इतना ज्यादा प्यार करती ही थी तो खुद कर लेती शादी, बेचारा हमारा असानो तो बच जाता। वैसे असानो के बारे में रिन को सुई ने बताया है कि असानो में ज्यादा काबिलियत नहीं है। अब इनकी फालतू की बातें और आगे बढ़ती इससे पहले वहाँ पर एक धमाका होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आ चुका था क्वेचिरो मिसुमी को लेने के लिए। लेकिन रिन कहती है कि इस वक्त हम एक टी पार्टी कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ से चले जाओ, समझे? क्वेचिरो कहता है कि मिसुमी का एक फीमेल गोरिल्ला के साथ रहना उसकी मानसिकता के लिए खराब हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, पहली बार इस बंदे ने सही कहा है। देखो इस औरत को, ये किसी गोरिल्ला की मेले में बिछड़ी हुई बहन लगती है। वैसे इसके बाद ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इनके लड़ने से काफी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल रही थी, यहाँ तक कि इनकी लड़ाई की वजह से इमरजेंसी सिग्नल भी बजने लगता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाइए। वैसे हमें पता चलता है कि रिन और क्वेचिरो की ये लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। इन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए मिसुमी
और सुई जाते हैं, लेकिन सुई उनके पावरफुल प्रेशर की वजह से दूर फेंक जाता है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करने वाले थे, लेकिन बीच में मित्सुमी आ जाती है और इस वक्त ये दोनों अपने पंचेस को रोक नहीं सकते। लेकिन बीच में एंट्री लेता है हमारा हीरो असानो और बेचारे में उन दोनों के मुक्के कुछ इस तरह लगते हैं, भाई इस बंदे के लिए दिल से बुरा लगता है। इसके बाद असानो वहीं बेहोश हो जाता है और मित्सुमी यहाँ कहती है कि अगर तुम दोनों ने इससे ज्यादा परेशानी यहाँ पर खड़ी की तो मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। भाई ये सच में उसकी बीवी है, मुझे तो लगता है कि ये असानो को छोड़कर सबको खुश रखती होगी। वैसे मित्सुमी की बात सुनकर ये दोनों डर जाते हैं और केचिरो तो बेहोश ही हो जाता है। वैसे असानो में इतना खतरनाक हमला होने के बाद भी ये लड़की मस्त ही रिलैक्स होती है। वैसे इसके बाद रिन कहती है कि असानो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि असानो को रिन एक मिशन देती है कि उसे अंडरकवर में एक पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट करना होगा, द डांसिंग पॉलिटिशियन योशिमासा कुरोयूरी। इस पॉलिटिशियन ने भी जनता से वही वादे किए हैं जिन्हें वो कभी पूरा नहीं करते, और ये है वो पॉलिटिशियन। वैसे जोकर ज्यादा लगता है ना। वैसे जनता इसे काफी पसंद करती है, लेकिन इसने बहुत सारे काले कारनामे किए हैं और ये अपने सारे काले धंधे द ट्रिपलेट स्पाइस रेड ब्लू और येलो से करवाता है, जैसे लोगों की हत्या करवाना। लेकिन अब तक किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले हमें ये मिनिएचर बॉम्ब मिला और इतने छोटे बॉम्ब का इस्तेमाल अक्सर छोटे रेंज के धमाके करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि इन सब के पीछे योशिमासा कुरोयूरी है। लेकिन हमारे पास एक क्लू है, जिसके पास से हमें वो मिनिएचर बॉम्ब मिला है उसने बताया है कि उसका क्लाइंट दिल के आकार के सनग्लासेस पहनता है और कुरोयूरी भी बिल्कुल ऐसे ही चश्मे पहनता है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये मिशन तुम हैंडल करो, क्योंकि उसे हमारी हिनागीकु ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारी जानकारी है, जिस वजह से वो हमेशा तैयारी में रहता है। लेकिन तुम जैसे एक आउटसाइडर पर वो इतना शक नहीं करेगा। और इसके बाद रिन एक चुटकी बजाती है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि सुई और मित्सुमी असानो की वेशभूषा ही बदल देते हैं, उसे एक ऑफिस वुमेन के कपड़े पहना दिए जाते हैं। असानो पूछता है कि मुझे एक लड़की के कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। रन बताती है कि कुछ दिन पहले कुरोयूरी पार्टी ने ये एड दी थी जिसमें वो एक खूबसूरत लड़की को हायर कर रहे हैं। वैसे अब इस मिशन की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अब इसके बाद हमें कुरोयूरी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरोयूरी अपनी एक नई कॉमरेड को इंट्रोड्यूस करने वाला है, योको असादा। असल में ये हमारा असानो ही है। इसके बाद कुरोयूरी योको के पास आकर कहता है कि अब से तुम हमारे हीरो वाले परिवार का हिस्सा हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुरोयूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो उसके खिलाफ मोर्चा कर रहे थे, और अचानक ही वो लोग स्टेज पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन इसी तोड़फोड़ की वजह से एक बड़ा सा साउंड एक आदमी पर गिरने वाला था, लेकिन कुरोयूरी आकर उसे बचा लेता है। और इसके बाद वो कहता है कि भले से ही अभी तुम्हें मेरी बातें गलत लग सकती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये हमारे समाज को एक नई दिशा देंगी। और दोस्तों कुरोयूरी को उस आदमी को बचाते वक्त खुद काफी चोट आ जाती है, लेकिन फिर भी कुरोयूरी उस आदमी की ओर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो आदमी भी हाथ मिला लेता है। इसके बाद कुरोयूरी के लिए एक एम्बुलेंस मंगाई जाती है। वो जाते हुए कहता है कि योको तुम ऑफिस चली जाओ। वैसे जनता कुरोयूरी के नाम के नारे लगा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर हम कुरोयूरी को देखते हैं जहां पर स्पाई ब्लू उसके सिर से खून को साफ कर देता है। दोस्तों कुरोयूरी बिल्कुल ठीक होता है, ये सब तो उसकी चाल थी ताकि वो जनता से सहानुभूति ले पाए, और असल में ये एम्बुलेंस वाले उसके स्पाई रेड और येलो थे। वैसे कुरोयूरी के इस नाटक की वजह से उसकी जो फेवरेबिलिटी रेटिंग थी वो काफी ज्यादा हाई हो रही थी। अब कुरोयूरी कहता है कि जल्द ही मैं एक महान राजनेता बनने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों जो योको था वो ये सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो कुरोयूरी पर नजर रखे हुए था। वैसे कुरोयूरी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हमें कुरोयूरी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर असानो जब भी कुछ करने की कोशिश करता है तब ये चारों उसे कुछ भी करने नहीं देते।
असानो जितना चाहे उतना ढूंढने की कोशिश कर ले, लेकिन उसे इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। वैसे कुरोयूरी अपनी प्लानिंग से अपने रास्ते के सभी कांटों को एक एक करके हटाता जाता है। वैसे इसी तरह कुरोयूरी का बजट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इन सब से असानो का दिमाग खराब हो रहा था। इनके इतने ज्यादा गुनाह करने के बाद भी उसे इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। और इसके बाद कुरोयूरी असानो को भी अपनी डांसिंग पार्टी में शामिल कर लेता है। वैसे यहाँ पर असानो को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सभी हर दिन इतनी रिदम के साथ कैसे डांस कर लेते हैं, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा था कि इनका डांस इनके सीक्रेटली बात करने का एक तरीका है, यानी कि ये इनकी कोड लैंग्वेज है। और इनकी कोड लैंग्वेज को समझकर असानो इन्हें देखकर पता लगा लेता है कि कल ये अपना फाइनल बॉम्ब अटैक करने वाले हैं। अब अगले दिन हम कुरोयूरी को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ देखते हैं और कुरोयूरी के लिए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी एक खतरा है, इसीलिए आज वो उसे अपने रास्ते से हटाने वाला है और उसके साथ उसके काफी सारे दुश्मन भी उसके रास्ते से हट जाएंगे। कुरोयूरी ने स्टेज के नीचे बॉम्ब लगाया है। बॉम्ब के आसपास वाले लोग तुरंत मर जाएंगे और धमाके के दौरान मैं खुद को कुछ नकली चोटें लगा लूंगा, चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद वो जैसे ही बटन दबाता है, एक धमाका तो होता है लेकिन इस जगह के बाहर। अब कुरोयूरी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन दोस्तों असानो ने बॉम्ब को स्टेज से बाहर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उसके पास बॉम्ब को डिफ्यूज करने का वक्त नहीं था। असानो को लग रहा था कि उसने अपना काम कर दिया, लेकिन तभी कुरोयूरी उसके ऊपर अपनी गन तान देता है और कहता है कि तुमने ये तो बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन मैंने एक और बॉम्ब लगाया है मिस्टर तायो असानो। और इसके बाद वो असानो में गोली मार देता है जिससे असानो वहीं गिर जाता है। और इसके बाद कुरोयूरी अपना दूसरा धमाका करता है। उसे लगता है कि इस धमाके में उसके सारे दुश्मन मर चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि सभी लोग कॉटन कैंडी में फंसे हुए हैं। ये एक एंटी शॉक जैकेट है जिसे शिंजो ने बनाया है। अब इससे पहले कि कुरोयूरी कुछ समझ पाता, तभी अचानक असानो खड़ा होता है। वो मरा नहीं था। अब इसके बाद ये सभी भी असानो के ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन फायर करने से पहले ही इन चारों की बंदूकें कट जाती हैं। और ये किया होता है सुई ने अपनी अल्ट्रा स्पीड के साथ, और वो कहता है कि मैं तुम सभी को अरेस्ट करने के लिए आ गया हूँ। लेकिन तभी कुरोयूरी के वो स्पाइस अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और यहाँ पर बेचारे कुरोयूरी को धोखा मिल जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान होता है और अपने बालों में से एक और कन निकालता है, लेकिन उसके फायर करने से पहले ही सुई अपने हमले से उसके सभी कपड़े फाड़ देता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि कुरोयूरी के धमाके में किसी को भी कोई चोट नहीं लगती। और वहीं असानो कुरोयूरी को लेकर लीडर रिन के पास जाने लगता है और सुई ने उससे कहा था कि वो वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है, इसी वजह से जरा ध्यान रखना। लेकिन कुरोयूरी तो मस्त आराम से सीटियां बजा रहा था। असानो के हाथ में जो गन होती है उसे देखकर कुरोयूरी कहता है कि ये तो एक ट्रेडिशनल योजाकुरा वेपन है ना? तायो असानो, शायद से तुम अपने परिवार को खोने के दर्द का सामना कर चुके हो और योजाकुरा फैमिली के एक नए सदस्य बन चुके हो, लेकिन शायद से तुम एक बात नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे परिवार का सच में एक्सीडेंट हुआ था? उस बरसाती दिन में तुम्हारा परिवार एक खाई में गिरकर मारे गए थे, है ना? तुम्हारा पूरा परिवार मारा गया, लेकिन तुम बच गए, जैसे ये कोई चमत्कार हो। लेकिन कुछ चमत्कार इंसान खुद करता है। ये बात सुन असानो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो, आखिर तुम मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो? और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे आखिर क्या कुरोयूरी जो कह रहा है वो सच है? क्या सच में असानो के परिवार का एक्सीडेंट नहीं था, वो किसी की सोची समझी चाल थी? देखो मुझे नहीं पता, इनके जवाब तो हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे जो कल आ जाएगा। और हाँ, ये एपिसोड बहुत ज्यादा लेट है तो यार माफ कर दो, तुम्हें तो पता है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। हाँ वैसे अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा। और देखो मेरी ये बात बिल्कुल सच है कि मिसुमी अपने पति को छोड़कर सबको खुश रखती है। मुझे ना मिसुमी का कैरेक्टर पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे इन द एंड
सायोनारा।